प्रॉमिसरी बिस्मिल के आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। व्यूअर्स अब आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि मूसा तो तौकीर की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है और उसकी माँ भी उसे समझा रही होती हैं कि अगर तुम्हारी शादी टूट गई तो सबसे ज़्यादा खुशी मासूमा को ही होगी, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। मूसा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है अपने बाप की वजह से, इसलिए वो तौकीर कह रहा होता है कि जो प्यार की मार नहीं समझता वो वक्त की मार समझ जाता है। और दूसरी तरफ मूसा भी गुस्से में होता है, अपनी माँ से कह रहा होता है कि देखें इसे कहते हैं खून का सफ़ेद हो जाना, जिस तरह से मेरे अबू हो गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। और दूसरी तरफ तौकीर भी कहता है कि अगर इंसान के पास पैसे ना हों तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। इसी वजह से मूसा भी बुलाता है अपने फियांसे को और से कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली इंसान हूँ, तो क्या तुम उससे शादी करोगी। और दूसरी तरफ मासूमा हो तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तो तौकीर को तो कोई फिक्र ही नहीं होती अपने बेटे की, अपनी पहली बीवी की। उसे तो यही लग रहा होता है कि एक मासूमा ही है जो उससे सच्ची मोहब्बत करती है, मासूमा के अलावा कोई उसकी फिक्र नहीं करता। अब रियाम तौकीर से कह रही होती है तुमने कितने ख्वाब सजाए थे अपने बेटे की शादी के लिए। तौकीर कहता है इसने ही वो ख्वाब मेरी आँखों से नोच डाले हैं।